नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में आज सियासत का सुपर सैटरडे था। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई। बीजेपी ने दो चरणों के लिए 107 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अटकलें खत्म हो गई। सीएम योगी गोरखपुर शहर से अब चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी मैदान में उतारा है। वो अपने गढ़ प्रयागराज के सिराथू से लड़ेंगे। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा। बीएसपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। पश्चिमी यूपी के लिए जारी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम है। वहीं अखिलेश और चंद्रशेखर के गठबंधन पर विराम लग गया। चंद्रशेखर ने अखिलेश को दलित विरोधी बताते हुए हमला किया। उत्तर प्रदेश में 107 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज हो गई। पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें ये कहा गया कि 21 नए चेहरे देखिए। इसमें खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बताया 21 नए चेहरों को, युवा, महिलाओं, हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काट दिया है। दो चरणों के लिए टिकट का यह ऐलान हुआ है। पहले चरण के लिए 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और दूसरे चरण के लिए 48 नामों का ऐलान किया गया है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेंस और जो कयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लग रहा था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, वो सब कयासों पर विराम लग चुका है। क्योंकि अब गोरखपुर शहर की सीट से ही योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरेंगे। हालांकि अयोध्या में जब ये खबरें थीं, साधु संत समाज बेहद खुश इस बात से कि अयोध्या से वो इस बार चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट सामने आई, उसमें क्लियर हुआ कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने, युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को, 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, आज दो फेजेस के आपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 21 जो है उम्मीदवारों, विधायक जो है उनके टिकट काट दिए क्या जी? देखिए, एक केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेती है। भारतीय जनता पार्टी के या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में बैठक हुई और देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री जी केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक में भाग लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी भी बैठक में भाग लिए। सारा डिलीबरेशन करने के बाद जो निर्णय लेते हैं उस पर कार्यकर्ता चुनाव उस पर लड़ता है। ये बहुत से लोग जो है पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिन विधायकों के टिकट काटे हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 7 सालों में गरीबों के लिए काम किया, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनका हेल्थ कार्ड बना, उसके साथ साथ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला, दो बार उनको राशन मिल रहा है। आज वास्तव में देखा जाए तो जो गरीब है
पिछड़ा है, दलित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं मसीहा के रूप में देखता है, वो मसीहा है। इसलिए पूरा का पूरा मतलब सभी लोग आज मोदी योगी के साथ में है। कितनी सीटें जीतेंगे पूना हमारे? अरुण सिंह जी कितनी सीटें जीतेंगे? 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं। ये है अरुण सिंह, जिनका ये कहना है कि 300 से ज्यादा सीटें जो है इस बार फिर से जीतने जा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सब आज तो बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी उत्तर प्रदेश से लिहाज से जिन्होंने चौंकाया है, जहां चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, वहीं कयास अयोध्या से था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एकदम गेम पलटा और अब वो गोरखपुर से ही लड़ने वाले हैं। दिनेश शर्मा का भी नाम नहीं है। हेलो, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं सवाल दोहराऊं। शायद हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी खबर तो यही है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह, उनको लेकर भी चर्चाएं थी कि क्या वो भी चुनाव में उतरेंगे। चर्चा दिनेश शर्मा को लेकर भी थी कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है अगली लिस्ट जो आए उसमें नाम का ऐलान हो। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात आज सामने आई है वो ये कि 107 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई और इसमें 83 सिटिंग एमएलए थे, 63 रिपीट किए गए हैं, 20% परिवर्तन हुआ है, 21 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं और कुल मिलाकर अब आगे की रणनीति बीजेपी की क्या होगी वो देखनी होगी। लेकिन फिलहाल अयोध्या से जो खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो खबर इन सारी खबरों पर विराम लग चुका है। गोरखपुर से अब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ हो चुकी है। हालांकि देर नहीं लगी अखिलेश यादव को तंज कसने में। अखिलेश यादव ने सीधा तंज किया कि पहले ही बीजेपी ने उन्हें उनके घर भेज दिया है, उन्हें से मतलब योगी आदित्यनाथ को उनके घर भेज दिया है। हिमांशु, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आज बड़ा झटका ये कि कयास तो यही थे कि भाई अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। दिनेश शर्मा को लेकर भी सस्पेंस अभी साफ नहीं हो पाया, स्वतंत्र देव सिंह को लेकर भी। देखिए बिल्कुल, बीजेपी पहले ये तय माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने एकाएक ये फैसला लिया कि उनको गोरखपुर, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां से वो लगातार जो है 5 बार सांसद बने, वहीं की गोरखपुर सदर सीट से जो है उनको चुनाव लड़ाया जाए। क्योंकि अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते तो उनको वहां ज्यादा समय देना पड़ता, गोरखपुर उनका अपना क्षेत्र है, वो वहां से पूरी तरीके से परिपक्व है, और इसीलिए पूरी केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि वो गोरखपुर की सदर सीट से लड़े। और दूसरा कारण जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि पडरौना, जो गोरखपुर से लगती हुई लोकसभा क्षेत्र और पडरौना की उसी सीट से जो है वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं, और उनका खुद का बहुत प्रभाव है, ना सिर्फ जो है पडरौना, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के वहां से पार्टी छोड़ के जाने का प्रभाव जो है पार्टी पे ना पड़ जाए और चुनाव में इसके खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ को जो है वो चुनाव लड़वाया गया है गोरखपुर से। और कहीं एक मैसेज ना जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर छोड़कर जो है वो अयोध्या जा रहे हैं। तो इसी सारे समीकरणों को देखने के बाद जो है पार्टी ने तय किया कि उन्हें गोरखपुर से ही चुनाव लड़ाया जाए। अर्पिता, तो हिमांशु देखिए, कुल मिलाकर ये जो कहा गया, ये भी कहा गया आज जब धर्मेंद्र प्रधान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि देखिए 83 सिटिंग एमएलए थे, 63 रिपीट किए गए हैं और इसमें से 20% परिवर्तन हुआ है। यानी कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी छोड़कर जाते हैं, जो और विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो क्या ये जो रिपीटेशन हुआ है, ये 63 का जो आंकड़ा है, ये और कम हो सकता था अगर ये झटका बीजेपी को नहीं लगता तो? देखिए बिल्कुल, अगर ये झटका नहीं लगता तो और ज्यादा विधायकों और मंत्रियों की टिकट कटती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ विधायकों की टिकट काटी गई जिनका बहुत खराब जो है फीडबैक पार्टी को आया था, और इसी कारण जो है पार्टी ने जो है 83 जो सिटिंग विधायक थे उनमें से 63 विधायकों की जो है टिकट काट दी, और ये माना जा रहा है कि 21 नए उम्मीदवारों को जो है बीजेपी ने मौका दिया है। तो एक तरीके से पार्टी
पूरी तरीके से समीकरण देखकर जो है वो उतार रही है कि कहीं किसी तरीके से पार्टी को चुनाव में खामियाजा ना भुगतना पड़े। जिन विधायकों के खिलाफ नाराजगी की रिपोर्ट थी, उनका फीडबैक ठीक नहीं था, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम नहीं किया था, उनको जरूर टिकट बीजेपी ने काट दिया है। और अब बीजेपी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जो है नए प्रोफेशनल्स को ला रही है, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रोफेशनल्स के अंदर जिनके बड़े नाम हैं, जो अपने विधानसभा के अंदर अच्छा प्रभाव रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशनलों से जुड़े हुए, तो उन सब लोगों को जो है बीजेपी शामिल करा रही है। जैसे कि हमने आज देखा कि एक पूर्व आईपीएस जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और इसी तरीके से कई सर्जन्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को पार्टी जो है चुनाव लड़ाकर उनके जो उनके वहां पर कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा है उसका फायदा उठाकर विधानसभा में जीतना चाहती है। और हमने पिछले कई चुनावों में 2014 के बाद देखा है कि पार्टी ने कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स को चुनाव लड़वाकर, और उसका फायदा बीजेपी को समय समय पर चुनावों में मिलता रहा है। ठीक है हिमांशु, आप रहिए, नजर बनाए रखिए। पंकज सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जिनको वापस से टिकट मिला है नोएडा से, सुनिए। नोएडा बदला है, नोएडा बेहतर हुआ है, और जो आज यह बदलाव पिछले 5 साल में दिखा है इसको आगे लेकर जाएंगे, उसको एकदम स्थापित होगा। और नोएडा के बारे में जो पहले लोगों का सिर्फ परसेप्शन रहता था कि नोएडा में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूं कि अब उस परसेप्शन को रियलिटी में बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक मजबूत प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलपमेंट का यहां पर तैयार किया है। आपको नोएडा से दूसरी बार टिकट मिल रहा है। अखिलेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नोएडा हम इसलिए नहीं आते क्योंकि नोएडा जो भी आता है वो गद्दी गंवा देता है। देखिए वो तो ना पिछली बार भी नहीं आए, वो उन्होंने तब भी गंवाया है, इस बार हमेशा हमेशा के लिए वो गंवाएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए ही, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश से अब समाप्त होने वाली है, वो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, वो हमारा विषय नहीं है, वो उनकी पार्टी तय करे, लेकिन इतना तय है कि अब नोएडा वह आए या ना आए, समाजवादी पार्टी का जाना तय है। नोएडा से पंखड़ी पाठक को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से, वो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप क्या कहेंगे? अब देखिए मैं इतना जानता हूँ कि हमारी परंपरा में हमेशा से ही महिलाओं को, माताओं बहनों को एक शक्ति के स्वरूप के रूप में ही पूजा गया है, तो कांग्रेस शायद आज उस बात को रियलाइज़ कर रही हो, लेकिन हमारी संस्कृति में बहुत लंबे समय से इस बात यह सत्य स्थापित है। खैर, और बाकी मैं किसी की बात पर मैं कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेगी, और नोएडा भी प्रचंड मतों के साथ हम लोग यहां पर विजय। अब देखिए इन सबके बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उतारे जाने पर तंज कसा। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की, अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। समाजवादी पार्टी जहाँ लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रनआउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा, अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें, अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। आज के बाद
अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन।